हमारी यही दुआ आप हमेशा मुस्कुराते रहे। आज की वीडियो लेकर आए नाजिया लाही खान की वीडियो लेकर आए, जिसमें वो ना इंडिया का एक एरिया है जिसमें ना एक पार्टी का जो एक नेता है ना उसने ना एक लड़की के साथ रेप किया है, उस पर वो आज हमें और इन्फॉर्मेशन देने वाली है। उसने क्यों ऐसा किया और कौन है वो आदमी जिसने किया, वो सब कुछ पता चलेगा। वीडियो के एंड तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज धर्मनगरी अयोध्या में एक बलात्कार हुआ। बलात्कार करने वाला एक समाजवादी पार्टी का नेता था। कहीं ना कहीं वो बात फलीभूत होती हुई दिखाई दी जो लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके शासन में महिलाएं कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी खबर हो गई, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मुंह में मानो फेविकोल चिपका हो, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और हद तो तब हो जाती है जब अयोध्या के सांसद मामले से बेखबर हो जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस बेखबर नहीं है, जो आरोपी है और उसका सहयोगी है दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मांग उठ रही है कि इन जैसे वहशी दरिंदों का सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए। तो क्या कुछ हुआ अयोध्या में, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं। नाजिया लाही खान हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के वकील। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार, वंदे मातरम। अयोध्या में जो विभत्स अयोध्या से जो तस्वीर सामने आई, हालांकि धर्मनगरी से ऐसी तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए थी, नेता था समाजवादी पार्टी का, वही समाजवादी पार्टी जो ढोल पीट रही थी 37 सीटों के साथ हमने अयोध्या जीत लिया, हमने अयोध्या हरा दिया, आज कहां है समाजवादी पार्टी के नेता? आपने बहुत सही बात कही है कि धर्म की नगरी से, भगवान राम की नगरी से बलात्कार की खबर तो नहीं आनी चाहिए, पर तब नहीं आती जब वहां का सांसद कोई हिंदू होता और वाकई में प्रखर हिंदू होता, वाकई में भगवान राम को मानने वाला हिंदू होता और वाकई में अयोध्या की धरती को पावन धरती समझने वाला हिंदू होता। पर दुर्भाग्य की बात है कि अवधेश, जिनको कई बार अखिलेश यादव ने लोकतंत्र के मंदिर के बाहर में मीडिया से ये कहकर बुलाया कि भगवान राम तो यहाँ पर खड़े हैं, देखिए अवधेश जी, तो भगवान राम का स्थान देते देते अवधेश देवी जी भी समझ गए कि वो तो अब भगवान के स्वरूप ही हो चुके हैं। पर ये एक बात और समझनी पड़ेगी कि अवधेश वो है जिनका नाम तो भगवान राम से जुड़ा है, जिनका लेकिन उनके कर्तव्य और उनकी एक्टिविटीज को अगर देखा जाए, उनकी हरकतों को देखा जाए, तो वो कट्टर औरंगजेब फैन क्लब पार्टी चला रहे हैं। क्या तस्वीरें नहीं पता जनता को कि अवधेश साहब मजार जाया करते हैं? क्या तस्वीरें नहीं पता कि अवधेश साहब जो है वो जनाब जाते हैं इमामबाड़ा? क्या अवधेश के बारे में अयोध्या और फैजाबाद के लोगों को ये नहीं पता कि वो टोपी लगा करके अवतार करते हैं? क्या अवधेश के बारे में फैजाबाद और अयोध्या के लोगों को, मतदानों को ये नहीं पता कि अवधेश साहब नाम से हिंदू है पर काम से पूरे पक्के मुसलमान है? इसलिए बलात्कारी अगर मुसलमान है और 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया है अयोध्या जैसी पावन धरती पर, तो उनके मुंह से हिंदी निकलते निकलते अंग्रेजी की शब्दावली आ गई जब पत्रकार ने उनसे दो टोक सवाल पूछ बैठा। अब बात आती है अवधेश के करीबी बलात्कारी दोस्त, अवधेश के जिगरी बलात्कारी दोस्त, आज अवधेश के जुबान में लेमन जूस, राहुल गांधी जी के जुबान में लॉलीपॉप, डिंपल के जुबान में फेविक्विक और अखिलेश यादव लापता स्ट्रीट, बिल्कुल वैसे ही जैसे आमिर खान की वाइफ की डिवोर्सी वाइफ की मूवी लापता लेडीज आई। हाय हाय रे, मणिपुर पर छाती पीटने वाले, मणिपुर पर अपनी राजनीति गर्म करने वाले, शाहीन बाग को सरद करने वाले, मणिपुर की महिलाओं पर अपनी चिंता बताने वाले, ना संदेश खाली की महिलाओं पर कुछ बोलते हैं, ना चोपड़ा की न्यूड परेड वाली मुसलमान महिला पर कुछ बोलते हैं, और जब अखिलेश यादव की खुद की नगरी में, अखिलेश यादव की खुद की जीती हुई सीट में,
मतलब ऐसा समाजवादी पार्टी का एक मुसलमान नेता 12 साल की बच्ची का कंटिन्यू गैंग रेप करता है, उसको प्रेग्नेंट करता है, उसको पिल्स देता है, उसको धमकाता है कि किसी को कुछ मत बोलना नहीं तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। एक अनाथ बच्ची जिसके पिता की मृत्यु 2 साल पहले ही हो गई है उसको पकड़ थकड़ करके बलात्कार करता है। तो अखिलेश यादव कन्नी काट रहे हैं, डिंपल गई नहीं मिलने, प्रियंका वाड्रा जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कुछ भी कर सकती हूँ गई नहीं, सोनिया एंटोनियो जो पोल डांस करती थी वो गई नहीं, क्यों नहीं गई है, क्या वजह है जो नहीं गई है। बिल्कुल, ये जिस तरीके की राजनीति राजनेता कर रहे हैं लगातार कि अगर वो जो कहावत है ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, अगर अपने पर बात आई तो ये तमाम नेता चुप हो गए, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बल्कि अब उत्तर प्रदेश के शासन पर जरूर सवाल उठाएंगे, इनकी जो आपस की राजनीति है जरूर भड़केंगे। जाति के मुद्दे पर राहुल गांधी के लिए भड़क जाते हैं संसद में, आपने जाति कैसे पूछ ली, कैसे पूछ सकते हैं आप जाति, उन बयानों पर अखिलेश यादव बोलेंगे। लेकिन अवधेश प्रसाद जहां से सांसद चुनकर आए हैं वहां एक 12 साल की बच्ची, सोचिए एक 12 साल की बच्ची 2 महीने से कि पता नहीं मतलब कितने दिन से उसका जो है रेप लगातार किया जा रहा होगा। नाजर जी ने बताया जिस तरीके से बिना बाप की बच्ची जिसके सर पर बाप का साया नहीं था, मेहनत मजदूरी करके बहने अपने घर का गुजारा करती थी, इसी बीच इस तरीके की हैवानियत करना वाकई में बहुत जो है मन को विचलित करने वाला, और ऐसी दरिंदों के लिए क्या कुछ सजा होनी चाहिए नाजिया जी वो भी बता दीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की सरकार नए रिकॉर्ड बना रही है और पूरी दुनिया योगी जी की प्रशंसा करते हैं, उनकी जुबान नहीं थकती है कि वाकई में एक वक्त था उत्तर प्रदेश जब सूरज गुरुप होने के बाद बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती थी, महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी, और एक वक्त आया और बहुत सारी जो कानून को सख्त किया गया उसके मार्फत एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश से आया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जितने भी केसेस है वो 98.70% केसेस को एकदम सजा तुरंत दी गई है। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो 799 केसेस जो हैं वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबमिट हुए थे जिसमें 798 को सजा मिली है और वो जेल की सलाखों के अंदर है, मतलब परसेंटेज कितने आ रहे हैं रिपार्केशन और इंसाफ के 99.87%। दूसरे में मैं आती हूँ हरदोई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का 784 केसेस जो है वो इसी तरीके के क्राइम अगेंस्ट वुमेन के रजिस्टर्ड हुए थे जिसमें 99.61% महिलाओं को इंसाफ मिला है और जो आरोपी है वो जेल की सलाखों के अंदर है। इटावा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के 731 जो है रजिस्टर्ड हुए थे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस जिसमें 99.59% इंसाफ मिला हमारी बेटियों को, महिलाओं को। चार्ज के बाद पिछाड़ पर थप्पड़ मारना, बाइक से जाते हुए मुसलमान लौंडे मारने लगे, मौलवी साहब एक सनातनी महिला को की दुकान में छेड़ने लगे, रिजवान इमाम साहब मस्जिद के अंदर 10 साल की बच्ची का बलात्कार करने लगे, और रिजवाना उनकी बीवी उनकी अहलिया वीडियो बनाने लगी और स्टेटमेंट में कहती है कि उसको वीडियो देखना बहुत पसंद है ऐसा। और फिर समाजवादी पार्टी का नेता, मुसलमान नेता एक 12 साल की अनाथ बच्ची का कंटिन्यू गैंग रेप करता है और बच्ची को धमकाता है कि तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगी। अब मुझे याद आ रही है मुलायम सिंह यादव की बात, जब वो कहते थे कि लड़कियां टाइट जीन्स पहनेंगी तो लड़कों का दिल तो मचल ही जाएगा, मुझे याद आ गई आजम खान की बात कि किस हिसाब से वो जया पर्दा की खाकी, मुझे याद आ गया उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो घर में ढूंढा जाता था हिंदुओं के घरों में कि कौन लड़की खूबसूरत और गोरी पैदा हुई है क्योंकि इसकी उम्र 10 साल होगी तो उठाकर लेकर जाएंगे और गैंग रेप करेंगे। और 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव ने सबको खुली छूट दे दी कि उठाओ बच्चियां करो बलात्कार, उठाओ लड़कियां करो अपने बनाओ अपने हवस का शिकार, उठाओ महिलाएं और खोलो उनके कपड़े और भरपेट मजा लो, क्योंकि अखिलेश यादव के नेतृत्व और उनके पिता के नेतृत्व में औरत को सिर्फ और सिर्फ एक समझा
चाहता था और वही हो रहा है 37 सीटें जीतने के बाद। बिल्कुल नाजिया जी, जो कुछ हुआ वो वाकई में नहीं होना चाहिए था। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस मामले में 30 घंटे तक FIR दर्ज नहीं हो पाई मामला खुलने के बाद। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जो आरोपी है समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष, उसी के घर में चौकी चल रही थी 2012 से, 12 साल से उसी के घर में चौकी चल रही थी, जिसे रातों रात शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट करने के बाद उसके ऊपर केस दर्ज किया गया और इस हैवान के खिलाफ अब लोग मांग कर रहे हैं, फांसी की भी लोग मांग कर रहे हैं, एनकाउंटर करने की भी लोग मांग कर रहे हैं। हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है मोइन खान को, अब देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में निकल कर सामने आता। जी सुधीर, मोइन खान और राजू को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मोइन खान समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का और अवधेश का बहुत करीबी, उनके गोद का नेता है और उसने पुलिस को धमकाया कि मेरे अगेंस्ट में FIR मत करो, सिर्फ राजू के अगेंस्ट में FIR करो। पर जो लड़की के विक्टिम के घर के जो लोग हैं उनका जो कंप्लेन लेटर है वो बिल्कुल दोनों के नाम से था, इसलिए दोनों के नाम से FIR हुआ है। और जिस हिसाब से नए BNS में, नए कानून में, जिस हिसाब से इस तरीके के क्राइम को बहुत अच्छे तरीके से और सख्त तरीके से देखा गया है, मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मात्र 3 महीने में समाजवादी पार्टी के मुसलमान नेता और राजू को इमीडिएट सजा का क्या प्रावधान है नाजिया जी? इसमें क्लॉज 69 सेक्शन 69 पर जाइएगा तो उसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को भी बहला फुसला करके उसका बलात्कार करते हैं या किसी का रेप करते हैं या लव जिहाद करते हैं या किसी महिला के साथ आप ऐसी कोई अभद्र और अश्लीलता करते हैं तो उसके सख्त से सख्त सजा होना है। और जिसमें किसी भी बेल के कोई प्रावधान नहीं है, बेल पिटीशन का एड इंट्री बेल के कोई प्रावधान सेक्शन 69 BNS में है ही नहीं। तो जिस पर अवेसी साहब बहुत चिल्लाए भी थे, बहुत गरजे भी थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेक्शन 69 पर ये FIR करने के बाद जो विक्टिम के घर वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से इमीडिएट फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को डाले और फास्ट ट्रैक कोर्ट से 3 महीने के अंदर दोनों की फांसी की सजा हमारे सामने आनी चाहिए। वीडियो तो यार देखा ही कि 10-12 साल की बच्ची का रेप करते हुए ऐसे दरिंदों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। हमें फिर 2 साल से उस बच्ची का रेप कर रहा है, मतलब आप सोचें कि हमारी गली में जो 10-12 साल का बच्चा है, जो हमें मतलब बासित जो है उसके जितना बच्चा हो, बेटी लड़की हो, तो उसका कोई रेप करे तो कैसा मतलब उस पे मंजर होता है। और उस ऊपर से उस बच्ची को इतनी समझ है कि यार वो मतलब नहीं बताना या फिर मुझे क्या करना चाहिए, या फिर वो आदमी उसको भड़का रहा है कि मतलब उसको धमका रहा है कि मैंने ना तुम्हारी वीडियो बना के ना तो सोशल मीडिया पे कर देनी है और तुम्हारी इज्जत का फलूदा हो जाएगा, तो मैं ये सब कुछ करूंगा। 2 मंथ से मतलब यार गैंग रेप, फिर एक बंदा नहीं कर रहा, 2-3 बंदे मिल के कर रहे हैं उसका रेप, तो उन 2 बंदों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यार इनको फांसी होनी चाहिए। और जो नेता होता है वो तो एक मतलब हमारे जो समाज रखवाला, वो रखवाला होता है ना, उसको हम फॉलो करते हैं कि भाई ये अगर अच्छा काम करेगा तो हम इसको फॉलो करते हुए हम उनसे इंस्पायर होते हैं। और ऐसे लोगों से इंस्पायर हुआ जाता है क्या, जो लोग छोटी छोटी बच्चियों का रेप करे, 10-10 साल की बच्चियों का रेप करे। और अम्मी एक उन्होंने बताया कि एक मौलवी 10 साल की बच्ची का रेप करे, उसकी बीवी जो है वो वीडियो बनाती थी और कहती कि मुझे बड़ा मजा आता है ऐसी वीडियो देखने में ना, कितने यार इनको क्या कहा जाए, जाहिल वो एक मतलब इनके लिए लफज ही नहीं बना, इनके लिए क्या लफज बनेगा, मुझे तो यही नहीं समझ। ऐसे दरिंदों को तो माशरे से खत्म कर देना चाहिए। इस दरिंदगी की वजह से जो हमारा माशरा बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। आप सबको बताए कि हमारे सेफ ही नहीं है भाई कोई बंदा। लेकिन उन्होंने बात बताया कि उत्तर प्रदेश में पहले ऐसा हुआ करता था कि लड़कियां जो 8 बजे से पहले या 6 बजे से पहले जो है ना घर आ जानी चाहिए थी, उसके बाद जो है ना कोई सेफ्टी नहीं थी, मतलब लड़कियों को ऐसे जाते जाते उसके ऐसे थप्पड़ मार देना, जो मर्जी कर देना। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आया उन्होंने पकड़ के ऐसे गुंडों का इलाज कर दिया, उन्होंने अब लड़कियां जो है सेफली जो है ना वो घूम फिर सकती हैं। तो लेकिन यार मैं तो बोलती हूँ कि कोई भी किसी भी लड़की के साथ घर में कुछ भी हो रहा है, उसका शोहर, उसका भाई, उसका बाप या कोई भी हो, कोई क्यों भी नहीं कोई भी कर रहा हो, तो आपको बोलना चाहिए, डरो मत, किसी को कौन
खा जाएगा कोई आपको, अपने इज्जत की हिफाजत एक लेडी को करनी आनी चाहिए। और ऐसे मर्दों के तो इनको ना एक एक खत्म इनको कर देना चाहिए, इनको फांसी भी इनके चुराहे में जाए। सही बात है, इनको ना चुराहे में रख लोग देखें समझ। हाँ सही बात है, ऐसा होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस वाले से बताइएगा। फिर मिलता है एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखते हैं।